नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। सीधी बात में आज बारी है केंद्रीय श्रम मंत्री साहब सिंह वर्मा की, और अब बात केंद्रीय श्रम मंत्री साहब सिंह वर्मा की, जो किसी न किसी बहाने खबरों में बने ही रहते हैं। कभी उनके निशाने पर होते हैं उनकी पार्टी के सहयोगी, कभी पार्टी आला कमान, और कभी और कोई नहीं तो जेट एयरवेज के कर्मचारी ही। एक लंबे इंतजार और वनवास के बाद वाजपेयी मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने के बाद भी साहब सिंह वर्मा विवादों से ऊपर उठ जाएं ऐसा लगता नहीं है, चाहे मुद्दा हो लेबर रिफॉर्म्स का या पार्टी के अंदरूनी झगड़ों का। आइए इन्हीं सभी मुद्दों पर करते हैं साहब सिंह वर्मा से ही सीधी बात। साहब सिंह जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद। आप ये बताइए कि लेबर मंत्रालय का काम क्या है आजकल? अभी श्रम मंत्रालय में समझता हूँ कि देश में जितने मंत्रालय हैं उसमें से बहुत महत्वपूर्ण कार्य श्रम मंत्रालय का है, और उसमें खासतौर से एक नहीं अनेकों तरह के विषय हैं। एक तो सोशल सिक्योरिटी, जिन लोगों को आज हम दे रहे हैं वो बहुत कम लोगों को दे रहे हैं। केवल कुल मिलाकर के 40 करोड़ जो देश की वर्कफोर्स है उसमें से सोशल सिक्योरिटी करीब 3.5 करोड़ को हम दे रहे हैं। करीब 36.5 करोड़ लोग ऐसे बात कर रहे हैं। मैंने वही बताया कि सारे वर्ल्ड के अंदर एक देश हमारा है जिसके अंदर लेबर मिनिस्टर है, बाकी जगह नहीं होते ज्यादातर लोग। नहीं, लेबर मिनिस्टर होते हैं, लेबर पार्ट किसी और मिनिस्ट्री के होते हैं। लेबर लगभग लेबर मिनिस्टर करीब करीब सभी देशों में। अच्छा, आपको लगता है कि बहुत बड़ा काम है हमारे देश? बहुत बड़ा काम है, और इसमें केवल हम उन लोगों को, जैसे बच्चे हैं उनका ख्याल करना है, चाइल्ड लेबर की बात है, नहीं इसी के अंदर आता है, वुमेन लेबर की बात है, इसके साथ साथ चाइल्ड वेलफेयर, वो भी नहीं, जहाँ तक लेबर की बात है वो इसी मंत्रालय में आता है। चाइल्ड वेलफेयर अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जिसमें देखिए ना, अभी जैसे मैंने कहा 36.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जिसको आज तक सोशल सिक्योरिटी नहीं मिली। ये सरकार पहली बार इसी सत्र में एक बिल पेश करने वाली है, और सरकार का संकल्प है कि हम उसको पास करवाएंगे, और उन लोगों को, सभी लोगों को जो बहुत छोटे छोटे गरीब लोग हैं, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, इस तरह के लोगों को। आप अटल जी की सरकार के 31 कैबिनेट मंत्रियों में से एक हैं जी, आपको लगता है सरकार की उपलब्धि आर्थिक रिफॉर्म में बहुत ज्यादा हुई है? जी, आप मैं मुझे लगता है कि इसमें और भी बहुत करने की आवश्यकता है, खासतौर से जो हमारे लेबर लॉज हैं उसमें कुछ और परिवर्तन। लेबर लॉ के बारे में बात करूँ, आपको लगता है आर्थिक रिफॉर्म काफी सरकार ने किए हैं? मैं समझता हूँ कि कुछ किए हैं और कुछ और करने बाकी। उसमें जो आपने कहा लेबर रिफॉर्म, पिछले 5 साल में तकरीबन 4 मंत्री बदले गए लेबर के अंदर। मैं तो अभी अब 4 मंत्री हैं, मैं तो थोड़ी दिन से आया। उसका लगता है कि लेबर रिफॉर्म ज्यादा इम्पोर्टेंट इस सरकार की है, दरवाजा खोलो बंद करो खोलो बंद करो, मुझे नहीं लगता, क्योंकि खास तौर से प्रधानमंत्री जी की बेहद रुचि है कि हमें लेबर रिफॉर्म करना चाहिए, और उसमें आपको जानकर ताज्जुब होगा प्रभु जी कि जितनी भी लेबर ऑर्गेनाइजेशंस देश में हैं उन सभी से मैंने इस पर विस्तार से चर्चा की है। जितनी भी देश के अंदर हमारे एम्प्लॉयर्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन सब से मैंने व्यक्तिगत रूप से चर्चा की है, मैंने सभी पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाया है और काफी से चर्चा की है। लेबर रिफॉर्म का हर एक एमपी से मैंने बात की, हर एक एमपी को मैंने पत्र लिखा है, उन्होंने कुछ एमपी से मेरे व्यक्तिगत रूप से बात की है। लेबर रिफॉर्म का सीधी बात कर रहे हैं, मैं लेबर रिफॉर्म की बात, लेबर रिफॉर्म का मतलब आपके हिसाब से क्या है, क्या होना चाहिए? मैं लेबर रिफॉर्म का मतलब ये है कि एक ऐसा वातावरण मजदूर और मालिक के बीच में पैदा हो जिससे एक विश्वास दोनों के अंदर बने और दोनों उस उत्पादन में एक रुचि लेकर के काम करें। लेबर रिफॉर्म का मतलब ये भी है कि लोग काम भी करें, हायर एंड फायर पॉलिसी मैं तो लेबर रिफॉर्म का मतलब यही समझता हूँ कि जहाँ पर किसी के साथ भी न कोई एक्सप्लॉयट कर सके एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को, और न कोई एम्प्लॉय एक्सप्लॉयट कर सके एम्प्लॉयर को, और न कोई ऑर्गेनाइजेशन ट्रेड यूनियन किसी को एक्सप्लॉयट कर सके। देश के अंदर एक ऐसा वातावरण बनाने की आवश्यकता, लेबर रिफॉर्म की बात कर रहा हूँ। लेबर रिफॉर्म के अंदर मालिकों का कहना है कि हायर एंड फायर पॉलिसी होनी चाहिए, जो काम नहीं करे उसको निकाल देना चाहिए, जो काम करे उसको रिवॉर्ड देना चाहिए। आप लेबर रिफॉर्म में मालिकों के साथ हैं या मजदूरों के साथ? मैं लेबर रिफॉर्म में देश के साथ हूँ। देश की आवश्यकता है कि मजदूर को उसका हक मिलना चाहिए, देश की आवश्यकता है जो निकम्मे लोग हैं, जो एक इनडिसिप्लिन पैदा करते हैं, जो तोड़फोड़ की कार्रवाई करते हैं, जो दूसरे मजदूरों के हित में काम नहीं करते बल्कि किसी निहित स्वार्थ में काम करते हैं, ऐसे मजदूरों को काम पर नहीं रहना चाहिए, और जो
आपको जानकर ताज्जुब होगा, केवल 2% ऐसे लोग हैं कुल मिलाकर के वर्कफोर्स में जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, जिनकी काम में रुचि कम होती है, दूसरी हरकतें ज्यादा होती है, ज्यादा नहीं है। कई कई बार क्या होता है कि वही 2% लोग आप परेशान कर देते हैं। लेबर रिफॉर्म्स आप क्या नहीं, जो निकम्मे लोग हैं जो काम नहीं करते हैं उनको निकाल देना चाहिए। मैं इस हक में उनको एक उचित एक अपॉर्चुनिटी दे करके और उनको काम तो कर। अभी तक पिछले 5 साल में ऐसे लेबर रिफॉर्म्स क्यों नहीं है, जैसी लेजिस्लेशन क्यों नहीं है जिसके अंदर मैं उसी के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। अपनी कैबिनेट ने एक डिसीजन लिया था आज से करीब 1.5 साल पहले, कैबिनेट ने एक निर्णय लिया था जिसमें आईडी एक्ट में कुछ वो रद्द बदल करना चाहते थे, उसी में जो कंसेंसस हमने बनानी थी ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में, एम्प्लॉयर्स के बीच में और पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर के, सबसे मेरी चर्चा चल रही है और बहुत जल्दी एक उसके अंदर क्या क्या हम तब्दीलियां ला सकते हैं। सरकार के अंदर चर्चा कमेटी सब कुछ चलता रहता है, देखिए ये भी आवश्यक है, चर्चा भी आवश्यक है, कमेटी भी आवश्यक है। साहब इनके सवाल पूछने लीजिए कि चर्चा के बाद एक IRDS की आपने बात किया, लेयर रिफॉर्म के लिए एक ही एक्ट की इम्प्रूवमेंट है, इंटर रिलेशन जो एक्ट है इंटर लेबर का, उसके अंदर अमेंडमेंट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट उसके अंदर आज तक अमेंडमेंट नहीं हुआ। सवाल ये कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हिंदुस्तान के अंदर नहीं आती है, अभी सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर का हमने इंट्रोड्यूस में यही कहा कि सबसे बड़ी समस्या इस देश के अंदर है कि लेबर को आप डिसिप्लिन नहीं कर सकते। नहीं, आप उससे सहमत हैं? मैं आपसे बिल्कुल 100% इस बात से सहमत हूं कि हमें लेबर लॉस में रिफॉर्म करना चाहिए और मैं इस हक में हूं जो करोड़ों लोग जिनके पास काम नहीं है उनको काम देने के लिए हमें ऐसा वातावरण पैदा करना होगा जिसमें हमें एम्प्लॉयर या जो भी लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं इन्वेस्टर्स के अंदर एक विश्वास पैदा करना होगा कि आप इन्वेस्ट अगर करेंगे तो आपको ठीक प्रकार से लेबर आपके साथ काम करेगा। इसमें आपके भारतीय जनता पार्टी पूरी सपोर्ट आपके साथ है? पूरी सपोर्ट मेरे साथ कि मालिक को जो चाहे। मैंने भारतीय मजदूर संघ के बड़े बड़े नेताओं से बात की है, सबसे मैंने बात की है, वो भी इस पक्ष में बिल्कुल नहीं है कि जो काम नहीं करते जो निकम्मे हैं सारे एटमोसफेयर को खराब करते हैं वो उद्योग में रहें। एक वाक्य में अगर कहूं कि आप हायर एंड फायर पॉलिसी के हक में हैं, मैं जो हायर एंड फायर का शब्द आप प्रयोग करते हैं ना मैं उस हक में नहीं हूं। हक में है जो काम काम हायर एंड फायर का शब्द मैं जो काम नहीं करते और सारे उद्योग के वातावरण को खराब करते हैं वो उद्योग में नहीं रहने चाहिए। मैं इस पक्ष में लेबरों का लेबर उनको उचित अपॉर्चुनिटी करके जो मालिक लोग ठीक तरह से चलाते नहीं कंपनी को उनका क्या कहना है आपके उसके बारे में? आपने एक बात कही है कि वर्क कल्चर वर्कर्स का ठीक नहीं है। मैंने जब एम्प्लॉयर से बात की तो मैंने भी उनसे भी ये कहा आपको भी अपने वर्क कल्चर में कुछ रद्दबदल करने की आवश्यकता है। ये केवल मजदूर खराब है ये बात नहीं है, हमारे एम्प्लॉयर भी बहुत सारे ठीक नहीं है, उनको भी अपने उनके खिलाफ आपका क्या है? हम चाहते हैं कि उनके अंदर एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस जब तक वर्कर में नहीं आएगी, जब तक वर्कर ये महसूस नहीं करेगा ये मेरा उद्योग है, मेरी फैक्ट्री, मैं वही बता रहा हूँ आपको, उसके अंदर भी रद्दबदल हम करने की आवश्यकता क्या लगता है? हम प्रपोज कर रहे हैं अगर आपको 5 स्टेप लेने हो कि लेबर रिफॉर्म्स करने हैं, आपको लगता है कौन कौन सी 5 चीजें आप करेंगे जब आप लेबर मिनिस्टर जब तक रहेंगे? मैं समझता हूँ कि जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो दोनों में विश्वास कायम करने के लिए जो एक विश्वास बार बार उठा रहे हैं, विश्वास में विश्वास मैं स्टेप की बात कर रहा हूँ, मैं स्टेप की बात कर रहा हूँ। उसके अंदर जो वर्कर ठीक काम नहीं करता उसको उद्योग में नहीं रहना चाहिए और जो उद्योगपति भी एक्सप्लॉइट करता है उसके खिलाफ कार्रवाई, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये दोनों तरह के प्रावधान हम अभी जो रिफॉर्म करने वाले हैं उसमें ला रहे हैं। आप ये मानते हैं ना अभी जो मजदूर काम नहीं करता उसको निकालने के लिए परेशानियां तो है उनको आप दूर करेंगे? जी बिल्कुल दूर करेंगे। तो अब दूसरा सवाल जो मैंने आपसे पूछा है कि आप 5 चीजें करने वाले, एक तो ये कि ये परेशानियां जो मजदूर काम नहीं करते निकम्मे हैं उनको निकालने के लिए कानून में जो बदल करनी होगी वो आप करेंगे? वो हम करेंगे। और क्या करेंगे? दूसरा हम जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के 36-37 करोड़ लोगों को अभी तक कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं मिली, हम उन सबको सोशल सिक्योरिटी दिलवाएंगे। आपको लगता है कि सरकार को इन सब चीजों में इंटरफेयर करना चाहिए, मार्केट फोर्सेस के ऊपर नहीं छोड़ देना चाहिए? कौन सी चीजें? अगर सोशल सिक्योरिटी तो सरकार को देनी पड़ेगी, सारी दुनिया के अंदर सब डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर ही सोशल सिक्योरिटी का काम तो सरकार के सहारे से के बिना हो नहीं सकता। हमें कानून भी बनाने पड़ेंगे। तो तय करते हैं मजदूरों के वेज भी, तय करते हैं छुट्टियां भी, तय करते हैं वो इस बात पर हम चर्चा करेंगे एक छोटे से सीधी बात में। आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम आज बातचीत कर रहे हैं केंद्रीय श्रम मंत्री साहब सिंह वर्मा जी से, डॉक्टर साहब आपको डॉक्टर साहब भी कहते हैं,
मैं जो शुरू से बात कर रहा था कि आप पांच चीजें करने के लिए वादा कर रहे हैं, एक तो आपने कहा कि हम कानून में बदल करेंगे, दूसरा आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर को बाद में लाएंगे। मैंने सवाल परिवर्तन करने की बात है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए सोशल सिक्योरिटी देने के लिए कानून बनाने की बात है, जो हमारी मेडिकल फैसिलिटीज हैं, जो इंश्योरेंस की स्कीम्स हैं, जो पेंशन की स्कीम्स हैं, वो इन सब लोगों के लिए जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं उनके लिए भी लागू करने की आवश्यकता है। सेंस ऑफ बिलोंगिंग क्रिएट करने के लिए किसी न किसी बार बार सेंस ऑफ बिलोंगिंग की बात कर रहा हूं, मैं सवाल वही कर रहा हूं कि पांच बात बता रहा हूं, पांचवी बात तीसरी बात मैं बता रहा हूं, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस क्रिएट करने के लिए हम एक पार्टिसिपेशन वर्कर का हो, पार्टिसिपेशन हो ना कंसल्टेशन में, वर्क जिस वर्क कमेटी बनाने की बात थी हमारे आईडीएफ में उसका प्रोविजन है, बोर्ड में कमेटी बनने चाहिए, बोर्ड के अंदर नहीं, बोर्ड के अंदर आप लेबर को पार्टिसिपेशन नहीं देंगे, डिसीजन मेकिंग में उनके सीधा हो, उसके लिए तो आहिस्ता आहिस्ता एक सिस्टम इवॉल्व करना पड़ेगा। हमने एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन से बात की है, उन्होंने कुछ बातों के लिए हमें सहमति दी है कि आप इसी तरह से कर दीजिए। एक तरफ रिफॉर्म्स की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप पीपीएफ के रूल्स हैं, एक साल से पड़ा हुआ है कि इंटरेस्ट रेट कम करना चाहिए, जो मार्केट के साथ अलाइनमेंट होना चाहिए, आपने अभी तक कोई फैसला नहीं किया उसके ऊपर। नहीं देखिए, अगर आप प्रोविडेंट फंड नहीं ईपीएफ के रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं, मैं एक बहुत सिंपल बात एक में कहना चाहता हूँ, एक लाइन में मैं कहना चाहता हूँ, जो रिटर्न हमें मिलती है इन्वेस्टमेंट में वो रिटर्न इंटरेस्ट के रूप में हम उनको देते हैं, मैं कम करने वाला और बढ़ाने वाला कोई नहीं होता, आई एम नो वन। ये तो आप तो इसके विरोध में है ना, कम नहीं करना चाहिए। नो, बिल्कुल नहीं, मैं तो इस हक में हूँ कि जो रिटर्न हमें मिलता है इन्वेस्टमेंट पर वो सारा का सारा चाहे वो कुछ भी हो वो उनको मिलना चाहिए, इस हक में हूँ। पिछले साल आपको फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कम करिए, आप वही आप कम करेंगे कि नहीं करेंगे, फिर भी बात करिए। मैंने प्रारंभ से एक ही बात की है, मैंने हम साढ़े अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं, इसमें एम्प्लॉय हम साढ़े का सवाल है, सवाल क्या था, मैं बिल्कुल सीधा जवाब दे रहा हूँ आपको, फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा, मैं कोई घुमा फिरा कर बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ फाइनेंस मिनिस्टर, मैंने फाइनेंस मिनिस्टर से कहा है कि मैं केवल इनको वो देना चाहता हूँ जो इनकी इन्वेस्टमेंट पर हमें रिटर्न मिल रहा है, फैसला होगा वो दे दिया हमने उनको, 9.5% दिया पिछले साल, अब कहा उन्होंने कम करने के लिए, अभी हमने जो फाइनेंस हमारे एक मैनेजमेंट है इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस की एक हमारी कमेटी है, उस कमेटी को हमने ये सौंप दिया है, वो सारी चीजें कम होने से आप रोक नहीं पाएंगे, सारी चीजें कैलकुलेट कर रही है और जो भी रिटर्न पूरे वर्ष में हमें मिलेगा, रिटर्न की बात ये भाषा समझ में नहीं आती, मैं आपसे कह रहा हूँ जो कम करने की बात है टेक्निकल लगता है फाइनेंस, नो इसी महीने कह रहा हूँ मैं, तो पिछले साल तो हमने 9.5% था फाइनेंस, हमने कहा कि हमें 9.5% रिटर्न मिल रहा है ना, ईपीएफ के झगड़े होते हैं, लोगों को पैसे नहीं, कोई झगड़ा नहीं होता ईपीएफ का, हमारा 30 दिन में मेरे क्वेश्चन सवाल पूरा करने ईपीएफ का आपके पैसे, लेकिन मेरा जवाब भी पूरा पूरा, डीडीए का ईपीएफ भी है, डीडीए की तरह करप्शन वहां पर है, पैसा लोगों का मिलता नहीं है, 10-10 साल चक्कर काटने, देखिए आपके हॉस्पिटल में कोई जाता नहीं है, तो श्रम मंत्रालय का काम यही रहेगा कि आप मालिकों को बुला के धमकाइए, ब्लैकमेल करिए, मेरा जवाब भी तसल्ली से सुनिएगा, छोटा जवाब, हाँ छोटा जवाब, या तो ईपीएफ के अंदर प्रोविडेंट फंड का पैसा लेने की बात है, अब हमारा पूरे देश भर में 30 दिन के अंदर अंदर पैसा एम्प्लॉय को मिल जाता है, एक नंबर देने वाले थे आप सबका, 30 दिन में यूनिक नंबर हम दे रहे हैं, और उसके बाद जो हमारा पूरा काम पूरा हो जाएगा, सिर्फ 2 दिन के अंदर हम उनको पैसा दे पाएंगे, और वो टेलीफोन पर पता कर पाएंगे उनका कितना पैसा है। जहां तक ईपीएफ की बात है, जहां तक हॉस्पिटल की आपने बात की है, 180 करोड़ रुपए लगा करके हमने इसी वर्ष में एक नंबर नए मॉडल नंबर एक देने वाले हैं कि नहीं, नहीं देने दे रहे हैं, देंगे आप, शुरू कर दिया हमने, चलो आप लोग काम प्रारंभ कर दिया, हॉस्पिटल्स को जो नहीं आपने हॉस्पिटल की बात उसका नहीं, मैं वही बता रहा हूँ आपको, हमने उनकी सर्विसेज को इम्प्रूव किया है, आपको जानकर पैसा देने के लिए तैयार नहीं, सुन लीजिए मेरी बात तो सुने, उसमें ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी है, स्टेट गवर्नमेंट की भी है, लेकिन हमने फिर ये किया है कि हर राज्य के अंदर हम एक मॉडल हॉस्पिटल बनाएं, उसके लिए हमने स्थापित हम कुछ राज्यों में कर चुके हैं, बाकी में 2-3 चलो लेबर पर छोड़ के हम महीने दो-तीन महीने में पूरे हो जाएंगे, पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट छोड़िए ना, लेबर पे आप राजनीति में आते हैं, दिल्ली के अंदर चुनाव होने वाले हैं जी, आप मुख्यमंत्री थे, आपको हटा दिया गया, सुषमा जी लाए चुनाव हार गए, अब खुराना जी आपके जो उनको बना दिया गया, हटा दिया गया, बना दिया गया, तो पार्टी का आप वाइस प्रेसिडेंट रहे, चुनाव हार गए, आपको क्या लगता है दिल्ली में चुनाव में आपकी क्या हालत है? दिल्ली में हम चुनाव में पूरी तरह से जीतने वाले हैं, इकट्ठे हैं सबके, और माननीय मदनलाल खुराना जी हमारे मुख्यमंत्री बनने वाले हैं 1 दिसंबर आपकी लड़ाई कांग्रेस से या मदनलाल खुराना जी से? मेरी लड़ाई तो देखिए प्रभु जी, मैं आपको एक, आप तो क्योंकि पत्रकार हैं, कोई एक इंस्टेंस आप अपने जितने दिन आपने हमें देखा है, एक इंस्टेंस बता दीजिए जी मैंने माननीय मदनलाल खुराना जी के खिलाफ एक शब्द कभी कहा हो,
एक शब्द का विकास, शब्द से सुना होते थे। अब शांता कुमार जी एक एक्शन बता दूंगा के लिए, शांता कुमार जी का एक एक्शन मांगते हैं कि नहीं, एक एक्शन कोई बता दीजिए। नहीं, शांता कुमार जी ने कोई एक शब्द कहा दूंगा के लिए, मैं कह रहा हूं आपसे, मैं एक एक्शन कोई बता दीजिए। परसेप्शन की बात ये है कि आप शिवाजी के खिलाफ प्रचार नहीं, आप जब आपको पत्र दिया था वाजपेयी जी ने कि मंत्री बनाऊंगा, उस पत्र को दिखाते थे आप कि मेरे को प्रायदा किया था, मैंने किसी को नहीं आपको दिखाया, छपा था, मेरे को तो नहीं दिखाया, छपा था अखबार में, किसी को नहीं दिखाया, अपने आप से लीक हो गया वो। नहीं, वो तो मैंने जिस दिन पत्र दिया था, पर आपकी उस दिन प्रधानमंत्री जी ने कहा था ये पत्र मैं दे रहा हूँ, और मैंने कहा था ये प्रेस को देना है, उन्होंने कहा आप दे सकते हैं। आपकी लड़ाई में आपकी पार्टी उसके बाद लड़ाई कभी आपकी आपस में नहीं, मैंने कभी जिक्र नहीं, इनडिसिप्लिन आपकी पार्टी में, पत्र मिलने के प्रभु जी 44 महीने बाद में मंत्री बना, मैंने कभी शिकायत, आप बाद में, आपकी लड़ाई जो है आप हमारी बीजेपी के साथ, आज बीजेपी के लोगों की कुल मिलकर के बीजेपी के लोग एक हैं, और हमारी लड़ाई केवल कांग्रेस से है, और वो भी दिल्ली की सेवा करने के लिए लड़ाई है, किसी भी कुर्सी के लिए। आप तो आजकल कौन सी लड़ाई कहाँ, कांग्रेस साथ मिलकर अनसाइज कंस्ट्रक्शन आप हैं, खुराना जी हैं, डीडीए के लोग जैसे सब अनसाइज कंस्ट्रक्शन जो है उसके अंदर आप सब इकट्ठे हैं, कांग्रेस और आप दिल्ली के अंदर एक वन पॉइंट प्रोग्राम है, अनसाइज कंस्ट्रक्शन को आप बढ़ावा दीजिए। नहीं, कॉलोनी की बात कर रहे हैं या कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन कॉलोनी सबको रेगुलराइज कर दिया, आप करते चले जा रहे हैं। हम मैं अनऑथराइज कॉलोनी में जितने लोग रहते हैं, आज दिल्ली के 40 लाख लोग अनऑथराइज कॉलोनी में रहते हैं, सरकार की गलत नीतियों के कारण से कॉलोनियां बनी हैं, उन गरीब लोगों का उजाड़ नहीं सकते, और भविष्य में वो बननी नहीं चाहिए, भविष्य में हर बार कहते हमने नहीं बनवाई, हमें आप मुख्यमंत्री रहे 2 साल, नहीं हमारे, आपको जानकर ताज्जुब होगा प्रभु जी, मेरे जब मैं मुख्यमंत्री था एक भी नई अनऑथराइज कॉलोनी एड नहीं हुई इसके अंदर, एक सिंगल ऑन रिकॉर्ड है, इट इज द रिपोर्ट, आपके जो अध्यक्ष इट इज द रिपोर्ट, दिल्ली के अध्यक्ष हैं उनका कहना है कि अनऑथराइज, इट इज द रिपोर्ट आई से, आपके एक भी अनऑथराइज कॉलोनी जब मैं मुख्यमंत्री था तब एक भी नहीं बनी, हाँ जितनी बनी हुई थी वो पास होनी चाहिए, हम इस पक्ष में तो हर पार्टी में हम इस पक्ष में कराते रहते। मैं ये कहता हूँ जिस दिन डिमांड और सप्लाई, जिस दिन जितने मकानों की जरूरत है, प्लॉट की जरूरत है, वो पूरी सरकार कर देगी, मैं समझता कोई भी व्यक्ति अनऑथराइज मकान नहीं बनाना चाहता, अनऑथराइज घर नहीं बनाना चाहता, बहुत मजबूरी में वो बनाता है, और वो सरकार की गलत नीतियों के कारण से बनती है, और इसलिए जब गरीब ने मकान बना लिया अपने कैसे कैसे बनाता है, मैं बता रहा हूँ आप पास होनी चाहिए, पास होनी चाहिए क्योंकि आप बनवाते रहते हैं, हम बनवाते रहते हैं, ये गलत पॉलिटिशियन कौन कहना, पॉलिटिशियन पूरी, अगर आप हमारी बिरादरी को बदनाम कर रहे हैं कि हम बनवाते हैं, ये बात नहीं है, रेगुलर आप करते हैं, बनवाते आप हैं, ये बात नहीं, ये हम कौन बनवाते हैं, रेगुलर तो हम क्योंकि बन जाती हैं, कौन बनवाते हैं, गरीब सरकार आपके पास, लेफ्टिनेंट गवर्नर आपका, मुख्यमंत्री आप, जब से भी कह रहा जब आप भी होते हैं ना, हम मैं कह रहा हूँ, रिकॉर्ड कह रहा हूँ, एक भी अनऑथराइज कॉलोनी जब मैं मुख्यमंत्री था उन 3 वर्षों में, और जो खुराना जी मुख्यमंत्री थे उन 2 वर्षों में, एक भी अनऑथराइज कॉलोनी एड नहीं हुई, जो कॉलोनी आपकी सरकार 1071 कॉलोनी वाइस चेयरमैन 1071 कॉलोनी और उसमें एक एड नहीं हुई, आप फिर से मुख्यमंत्री बनते हैं पसंद करेंगे कि नहीं? मैं तो मुख्यमंत्री हमने तय किया, हमारी पार्टी ने सबने मिलकर के तय किया है, और उस मुद्दे पर हम एक हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री मदनलाल खुराना जी होंगे, और हम सबकी पार्टी अगर आपके ऊपर थोपेगी, ये नहीं कोई सवाल नहीं होता, कैसे थोपेगी, जो हमने सबने मिलकर के तय किया है कि खुराना जी मुख्यमंत्री होंगे, तो मतलब आपने भी कांग्रेस कल्चर अडॉप्ट कर लिया, एमएलए चुने नहीं गए, मुख्यमंत्री पहले चुन लिया आपने, नहीं वो कल्चर कौन सा है, ये पार्टी का फैसला है, पार्टी ने आदेश दिया है, फैसला किया है कि खुराना जी अगले मुख्यमंत्री, संविधान में तो ये है कि एमएलए चुनते हैं मुख्यमंत्री, आपने फैसला कर लिया कि हम चुनेंगे, एमएलए में इतना अनुशासन है कि जो एमएलए बन करके जाएंगे, संविधान को आपने कोने पर रख दिया, नहीं वो संविधान की बात नहीं, आप इसकी, ये तो पार्टी का अनुशासन की बात, एमएलए चुनते हैं ना फिर मुख्यमंत्री चुनते हैं, मतलब एमएलए चुने नहीं गए आप, और सभी जगह ऐसा होता है कि पार्टी फैसला, कांग्रेस में आप जो कहते थे वो अधिकतर पार्टी ही फैसला करते, पर आपको गुस्सा बढ़ाता है, मुझे कब एक बताइए कोई गुस्सा, आपने वो जेट एयरवेज के साथ जो किया वहां पर, अभी प्रभु जी अगर उस बात को आप सुनना चाहते हैं, छोटी बात आपने मैं दो बार हुआ आपके साथ जेट एयरवेज, आपने सुनिए, मेरा झगड़ा जेट एयरवेज से कभी नहीं हुआ, और अगर मेरा झगड़ा जेट एयरवेज, आपको स्पेशल प्लेन देते हैं, चार्टर करके भेजते हैं, जहां आपके फ्लाइट में से बाकी किसी पैसेंजर को आज तक नहीं दिया उन्होंने, नहीं झगड़े की बात आप कह रहे हैं, वो तो खुद गए थे, खुद जाना चाहते थे, उनके 2 वाइस प्रेसिडेंट मेरे साथ गए थे, वो देखना चाहते उस प्रोजेक्ट को जहां मैं जा रहा था, गुजरात में जो प्रोजेक्ट चला रहे थे उसको स्वयं जाके देखना चाहते थे, मैंने मना किया था मैं नहीं जाना चाहता, उनका नहीं हम देखना चाहते आप हमारे साथ चलिए, उनको बाद में याद आया कि आपके साथ जाना चाहिए, पहले से प्रोग्राम नहीं, मेरे साथ गए वो और जाकर के देखा, लेकिन जहां तक आप जो बात कह रहे हैं जेट एयरवेज की, उन लोगों ने अपनी गलती स्वीकार की है, उन लोगों ने नहीं देखी, ये गलत बात सुना आपने, उनकी फाइलें मंगा ली, लेबर वायलेशन, मैंने कोई एक फाइल नहीं मंगवाई, एक कोई उनके ऊपर कार्रवाई शुरू नहीं करवाई, एक आपने स्टेटमेंट दिया, बहुत शिकायतें हैं आपके, मैंने ये कहा कि मैंने 1 वर्ष पहले कुछ शिकायत मेरे पास आई थी कि उनके कनेक्शन इधर उधर हैं, अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन हैं, मैंने उनकी एक शिकायत की थी, मैंने ये कहा,
मैंने एक भी फाइल मेरे मंत्रालय से संबंधित नहीं आपने कनेक्ट किया कि वो तो प्रभु जी उसी दिन एयरपोर्ट पर सभी जेट एयरवेज के अधिकारी भी और कर्मचारी भी मुझसे माफी मांगते रहे। मैंने उस दिन उनको माफ नहीं किया क्योंकि उन्होंने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की थी, मेरे साथ दुर्व्यवहार किया था। आप अगर वहां होते और आपके साथ ये दुर्व्यवहार होता, मैंने तो सही नहीं किया, मैंने तो सिर्फ इतना किया क्योंकि प्लेन से उतर करके आ गया। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि उन लोगों ने जो आप कह रहे हैं कि मैंने गुस्सा किया, उन लोगों ने माफी मांगी है अपने दुर्व्यवहार के लिए। उन लोगों ने माफी मांगी है, रिटर्न में माफी मांगी है, एक बार उनके मालिक ने माफी मांगी है, चार बार वो माफी मांग चुके हैं। उनका कहना है कि आपने बहुत धमकाया उनको, मैं देखूंगा आपको। बिल्कुल गलत बात। अगर वो आप ये तो आप कह रहे हैं, आप उनसे कहलवा दीजिए। अगर वो ये कहें कि मैंने उनको धमकाया है और तब उन्होंने माफी मांगी है, अगर वो कहीं भी कह रहे हैं आपने धमकी दे दी कि मैं जेटे से दोबारा ट्रेवल भी नहीं करूंगा, तो ये धमकी तो ये धमकी नहीं है, ये तो मेरी इच्छा है कि मैं जहां पर इस तरह की बदतमीजी हो मैं उस एयरवेज से क्यों करूंगा। कोई मजबूरी तो है नहीं मेरी कि मैं एयरवेज से जेट एयरवेज से मुझे जरूर जाना है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि देखिए जो चीज वो कह रहे हैं आपको उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। आप लोगों को हम पर भी विश्वास करना चाहिए, आप किसी और पर विश्वास करें, हम पर विश्वास ना करें। बात मानना पड़ेगा मंत्री की आजकल रेपुटेशन जो है ना, क्रेडिबिलिटी बहुत कम है। प्रभु जी आप सच बोल रहे हैं, जेट एयरवेज सच नहीं, मैं ये कहता हूं आपको कम से कम आपको कम से कम हमारी बात जो हम कहते हैं उस पर इसलिए विश्वास करना चाहिए क्योंकि इस केस में तो जेट एयरवेज ने खुद रिटर्न अपोलॉजी मेरे यहाँ आकर मैंने नहीं बुलाया, मंत्री से माफी नहीं मांगे, ये गलत है। मैंने नहीं बुलाया ना कोई दबाव, जनता बताएगी मैंने कोई दबाव डाला, कोई दबाव नहीं डाला, कोई माफी मैंने नहीं कहा माफी मांगा। चलो आपकी बात, लेकिन मैंने ये जो मैंने ये जरूर किया कि दर्शक फैसला करेंगे कि आप ठीक है या वो ठीक है। दर्शकों के भी स्टूडियो में आए, मैं के लिए बहुत दर्शकों की एक बात है प्रभु जी, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप दर्शकों को बार बार ये कहेंगे कि हमने गलती की है, दर्शक तो आप पर भी विश्वास करेंगे, दर्शक आप भी सुन रहे हैं, आप कह रहे हैं कि होता ये कि साफ सिंगलियो गुस्सा आ ही जाता है। नहीं नहीं, मुझे आप बताइए कि मैं 3 साल मुख्यमंत्री रहा, मैं मंत्री रहा, एक बार बताइए कोई गुस्से की, एक कभी एक मेरा इतिहास बता दीजिए गुस्से का जो मैंने कभी गुस्से में कोई ऐसी बात की हो। तो ये थी आज की मुलाकात, अगले हफ्ते आएगी बारी एक और हफ्ते की। हम आपको एक बार फिर से याद दिला दें कि अब आप सीधी बात हर रविवार रात 9:30 बजे और रात 12:30 बजे देख सकते हैं। इंतजार कीजिए तब तक और देखते रहिए आज तक।